जय चिनिंद्र। आज मैं आपको अभिग्रह किसे कहते हैं इसके बारे में बता रही हूँ। बड़े बड़े संत हुए हैं जो अभिग्रह अपने तपस्या का पालन करते थे। ऐसे ही एक महान घोर तपस्वी हैं श्री वेणी चंद जी महाराज। उन्होंने अनेक तपस्याएं की हैं और सभी के पारने उन्होंने अभिग्रह पूर्ण ही किए हैं। उनकी दीक्षा हो गई थी 1920 में और उनके माता पिता के देहांत के बाद, और उन्होंने लगातार अभिग्रह पूर्व पारने किए। स्टार्टिंग में शुरू में उन्होंने बेले की तपस्या की, बाद में उन्होंने पंचोले की तपस्या की। बेले मीन्स दो दिन तक उन्होंने व्रत किया और फिर उनको पारना करना था और पारना भी उन्होंने अभिग्रह पूर्ण किया। और इसी तरीके से उन्होंने पंचोले के भी पारने ऐसे ही किए। और पारने में वो सिर्फ छाछ लेते थे, छाछ मीन्स लस्सी, सिर्फ लस्सी से वो पारना करते थे। और एक बार उन्होंने माडलगढ़ में खड़े रहकर 22 मास तक वे वहीं पर खड़े रहे। वहाँ पर बहुत भव्य महल थे और महल में वे इतनी भूतों की प्रेतों की आवाज़ें आती थी और वे भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और उनके चरणों में नतमस्तक होकर चली गईं। एक बार भिलवाड़ा पधारे वेणी चंद जी महाराज, भिलवाड़ा पधारे और उन्होंने अभिग्रह इतना घोर धारण कर लिया कि अगर मेरे से पूरा बनेड़ा परिवार आकर कहेगा कि वेन्या महाराज बैठ जा, नहीं तो मारे शहर से अबारे निकल जा, तो ही मैं पारना करूँगा। 6 मास तक वे खड़े रहे और उसके बाद एक बार लोगों के हृदय कंपित होने लगे, उनके पैरों में सूजन आ गई। सूजन आकर उनके पैरों से पानी बहने लगा, लेकिन महाराज जी बिल्कुल सुमेरु की तरह अडग अचल थे। सब लोगों ने बोला कि गुरु अन्नदाता है, हमारे पर कृपा कीजिए और बैठ जाइए, लेकिन वे अपने अभिग्रह को पूर्ण करने के लिए खड़े रहे और खड़े खड़े वे लोगों को वांछना भी देते थे। एक बार संयोगवश बनेड़ा के दरबार से चारों पीढ़ियां श्री गोविंद सिंह जी, श्री अक्षय जी, श्री अमर सिंह जी और श्री प्रताप सिंह जी, चारों पीढ़ियां उनके चरणों में पधारे और उनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए जैसे ही उन्होंने शीश झुकाया, इतनी ज़्यादा पीड़ित सूजन वाले पाँव को देखकर उनका हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने अपूर्ण वचनों से श्री अक्षय जी ने कहा कि वेन्या महाराज बैठ जा, नहीं तो मारे शहर सु अबारे निकल जा। इन अविनयपूर्ण वचनों को सुनकर श्रावक जन दंग रह गए। उनका हृदय गदगद हो गया कि उनका तो अभिग्रह पूर्ण हो गया। और जैसे ही ये शब्द सुनते ही वेन्या जी महाराज बैठ गए और उन्होंने अपने रजोहरण से वो कागज निकाल कर दिखाया और सभी इस प्रकार से उन्होंने बाद में भी अपने भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जैसे 13 बोलों का अभिग्रह किया था और उनका 5 मास 25 दिन बाद श्री चंदन बाला से उनके तपस्या का पारना हुआ था। अपने भगवान के महावीर स्वामी जी के ही आचरण पर चलते हुए उन्होंने भी 13 बोलों का एक अभिग्रह लिया और वह अभिग्रह भी बहुत ही अजीब था, विरक विचित्र था। उन्होंने बोला कि पति पत्नी मुझे आहार बढ़ाने के लिए विनती करें, पत्नी के केश खुले हुए हों, सिर धुला हुआ हो, उनकी गोद में बच्चा हो, पति के हाथ में कलम ली हुई हो, टंगी हुई हो कान में, और हाथ में कागज हो, और उनके घर में खीर बनी हो, और पति पत्नी चार बच्चे खीर खाने का आग्रह कर रहे हूँ, खीर कांसे के बर्तन में हूँ, और पति खीर बहराए और बोले कि मैं छाछ नहीं खीर बहराऊँगा।
और चारों बच्चे खीर खाने का आग्रह कर रहे हों, पति पत्नी की आंखों में आंसू हो और पति आजन्मशील व्रत ग्रहण करे और पति और पत्नी दोनों रात्रि भोजन का त्याग करे, पति और पत्नी रात्रि भोजन का त्याग आजीवन करे तो ही मैं आहार भैरूंगा। इतना महान अभिग्रह 13 बोल, ये 13 बोल एक साथ ही पूरे होने चाहिए एक बारी में ही। तो ये अभिग्रह भी उनका एक एक करके 32 दिन तक चला। 32 दिन बाद उन महान पुरुषों के समक्ष प्रकृति भी नतमस्तक हो गई और एक बार वे अजमेर पधारे और वहाँ हार के लिए निकले तो श्री जवाहरलाल जी जो सरकारी कर्मचारी थे तपस्वी जी को देखते ही उनके हाथ में पेन था वो अपने कान पर टांग लिया और हाथ में उनके कागज था। उनकी पत्नी नहाकर आई और हाथ में गोद में उसके बच्चा था और पति जवाहरलाल जी बोले कि कांसे के बर्तन में ये खीर है, मैं आपको छाछ नहीं खीर बहराऊंगा। ये सब बोल पूरे हो रहे थे, 4 बच्चे आग्रह करते हुए आए हम खीर खाएंगे, लेकिन अभी भी अभिग्रह पूरे नहीं हुए थे तो वे मुड़कर वापस जाने लगे तो पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और बोले कि आजीवन हम रात्रि भोजन का त्याग करेंगे और शील व्रत का पालन करेंगे। अब उनके 13 बोल ही पूर्ण हो गए और फिर वे जैसे उनके 13 बोल पूर्ण हुए तो फिर उन्होंने उनसे खीर का आहार भराया और उन्होंने पति पत्नी ने अपने आप को धन्य माना कि हम उनके आहार में मतलब उनके अभिग्रह में से भागी बने हैं। तभी महाराज जी ने अपना रजोहरण से एक कागज निकाला और अपना अभिग्रह दिखाया। सभी एक ही स्वर में बोल उठे अहो दानम, इस प्रकार से उनका अभिग्रह पूर्ण हुआ। अभी उनके अभिग्रह के जो ये अभिग्रह की लड़ी थी वो टूटी नहीं थी, उन्होंने आगे और भी बहुत अभिग्रह किए हैं। जय जिनेन्द्र।